जब बात एक पावरफुल क्रूजर मोटरसाइकिल्स की होती है जो महंगी हो, तो उनमें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है अमेरिकन मोटरसाइकिल्स का। हार्ले डेविडसन के वी ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिल्स देख लो, या फिर इंडियन मोटरसाइकिल्स, ये दोनों तो अमेरिकन मोटरसाइकिल्स ब्रांड है जो कि भारतीय बाजार में कई वर्षों से मौजूद है। लेकिन अब बारी आ चुकी है जर्मन ब्रांड्स की। जी हाँ, BMW की R18 भारतीय बाजार में आ चुकी है और हमारे पास भी ये बाइक मौजूद है जो कि उन दोनों ही अमेरिकन ब्रांड से बिल्कुल हटकर है। और इस जर्मन BMW R18 ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं NBT ऑटो और ये है BMW R18। इससे पहले हम इस स्पेशल वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपको क्या करना है, नव भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकॉन भी प्रेस करना है ताकि आप तक इस तरीके की स्पेशल वीडियोस हमेशा आती रहे। तो ये है BMW R18 फर्स्ट एडिशन की की, जैसे कि आप देख रहे हो काफी स्टाइलिश की है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी बाइक की है और आपको दिखने में प्रॉपर एक कार की तरह लगेगी। लेकिन इस की खासियत यही है कि जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो आपके पास ये की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके पास चाबी नहीं होगी तो ये बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी। अगर हम बात करें BMW R18 के डिज़ाइन और लुक्स की, लेकिन उससे पहले बता दें कि बाइक पूरी तरह मेटल की बनी हुई है। जी हाँ, कहीं पर भी आप ध्यान देते हैं तो हर जगह आपको मेटल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, और भरपूर क्रोम भी इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। फ्रंट में देख लो, रियर में देख लो, बॉडीज में, जहां भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलेगी, वो क्रोम फिनिशिंग नहीं है, एक्चुअल में वो प्रॉपर क्रोम का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। और सबसे खास बात, इस बाइक में कंपनी बॉक्सर इंजन ऑफर कर रही है जो कि 1802 सीसी का है। एक साइड का जो इंजन है वो 901 सीसी का है और दूसरी साइड का जो इंजन है वो 901 सीसी का है। तो 901 1802 सीसी के यहां पर दो इंजन मिलते हैं जो कि इस बाइक को एक यूनिक लुक देते हैं। इनफैक्ट अगर आप हार्ले डेविडसन देखते हो या फिर इंडियन मोटरसाइकिल कोई भी चीफटेन भी देखते हो तो उसके मुकाबले भी इस बाइक का जो लुक है वो पूरी तरह अलग हटकर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देख रहे हो तो ये भी आपको मेटल का देखने को मिल जाता है। BMW का लोगो आपको यहाँ साफ देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ट्विन डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, सिंगल डिस्क ब्रेक आपको रियर सेक्शन में देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बाइक में देखने को लगती है वो है इस बाइक में दिए गए क्रोम फिनिश के साथ इसके एग्जॉस्ट, ये जो डुअल पाइप एग्जॉस्ट दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में बेहतर लगते हैं। और देखा जाए इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने पूरी तरह एक न्यू रेट्रो डिज़ाइन भी बनाए रखी है जो कि इस बाइक के साथ काफ़ी बढ़िया लग रही है। मॉडर्न आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि डिजिटल है, और इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको तीन राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि है रेन, रॉक एंड रोल। दोस्तों, BMW R18 में बॉक्सर ट्विन इंजन मिलता है। जी हाँ, 1802 सीसी का आपको इंजन मिलता है, लेकिन एक साइड आपको 901 सीसी का मिलता है और दूसरी साइड 901 सीसी का, यानी कि कंबाइंड आपको 1802 सीसी का इंजन मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको 1800 सीसी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर 1802 सीसी का ही है। और इस इंजन की कंबाइंड पावर 90 bhp है और 158 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। BMW R18 को चलाने का एक अलग ही अनुभव मिलता है। अगर हम टिपिकल बॉक्सर फैशन की बात करें तो काफी स्मूथ लगती है, टॉर्क इंस्टेंट आपको मिल जाता है, 2000 rpm पर आप टॉर्क का पूरा मजा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, कम रेव्स पर ये वी ट्विन इंजन की तरह शिकायत भी नहीं करता और आप इसे बिना प्रोटेस्ट के कम से कम 1300 rpm पर चला सकते हैं। यही वजह है जब मैं कहता हूँ कि R18 काफी तेज गति से चल सकती है, तो 200 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड पर आप इसे टच कर सकते हैं। दूसरी ओर ये कम से कम rpm पर 6th गियर में 60 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड दे देती है, जिसमें आप इसके हाई गियर्स और लो स्पीड का बढ़िया कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। 2000 rpm पर आराम से इसे 100 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड पर पूरे दिन क्रूज कर सकते हैं। चौड़े हैंडलबार और 690 mm सीट हाइट के चलते इस क्रूजर बाइक का 345 किलोग्राम वजन आपको चलाते वक्त कहीं भी फील नहीं होता। हालांकि चलाते वक्त अगर आपके सामने गड्ढे आ जाते हैं तो आपकी लोअर बैक पर झटका जरूर फील होने लगता है। स्मूथ रोड पर ये आपको जबरदस्त राइडिंग का अनुभव देती है। राइडिंग पोजीशन तो जबरदस्त है ही, लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल की कमी महसूस होती है। हालांकि स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। रॉक मोड पर बाइक काफी एग्रेसिव नजर आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल का इसमें कम से कम हस्तक्षेप रहता है। ट्रैफिक में अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो रेड लाइट पर इंजन के हीटिंग की समस्या आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इंजन काफी दमदार लगता है और चलाने में आपको अलग ही फील मिलता है।
अब ये बाइक दिखने में तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, खासकर इसका जो बॉक्सर इंजन है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, लेकिन चलाने में आपको बिल्कुल भी तेज तर्रार नहीं लगेगी, लेकिन मजेदार जरूर लगेगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि BMW R18 के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस बाइक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं।